श्रीलंका क्राइसिस की ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं हैं। बीते साल 2022 में दुनिया ने श्रीलंका की बदहाली का ये तमाशा देखा। कर्ज के बोझ तले भारत के इस पड़ोसी देश में लोग खाने खाने को मोहताज हो गए। चीन को भी इसके पीछे की बड़ी वजह बताया गया, जो एक वक्त श्रीलंका का सबसे अच्छा दोस्त था। अब ठीक उसी तरह चीन का दूसरा सबसे अच्छा दोस्त पाकिस्तान भी श्रीलंका की ही तरह कंगाली के दौर से गुजर रहा है, या यूं कह लीजिए श्रीलंका के रास्ते पर है। आर्थिक बदहाली का आलम यह है कि बाजार, शादी हॉल जल्द बंद करने की नौबत आ गई है। यही नहीं, देश में एलपीजी गैस प्लास्टिक के थैलियों में लाई जा रही है। आइए समझते हैं कि कैसे श्रीलंका की राह पर चल रहा है पाकिस्तान। वित्तीय संकट में फंस गया पाकिस्तान। जहां एक ओर श्रीलंका चीन के कर्ज तले दबकर कंगाली की कगार पर पहुंच गया है, वहीं पाकिस्तान पर भी कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती जा रही है। मार्च 2022 तक पाकिस्तान का कुल कर्ज लगभग 43 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए हो चुका था। इसमें से सबसे ज्यादा लेनदारी इमरान खान के कार्यकाल में रही। उन्होंने सिर्फ 3 साल में अपनी जनता पर रोज लगभग 1400 करोड़ का कर्ज डाला है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने सबसे बुरे दौर में है। सरकारी खजाने को बचाने की कवायद। शहबाज शरीफ की सरकार मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं दे पा रही। वर्क फ्रॉम होम दिया जा रहा है ताकि बिजली बचाई जा सके। इलेक्ट्रिक पंखे और बल्ब का उत्पादन बंद कर दिया गया है। प्लास्टिक बैग्स में एलपीजी। पाकिस्तान में लोग एलपीजी प्लास्टिक की थैलियों में ले रहे हैं, क्योंकि वो सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान में गैस सिलेंडर की कीमतें 10,000 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गई है। बाजार जल्दी बंद, दिन के उजाले में मीटिंग। गंभीर नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने बढ़ते कर्ज को काबू में रखने के लिए मंगलवार को विभिन्न उपायों का ऐलान किया था। इसमें बाजार और मैरिज हॉल को जल्द बंद करना भी शामिल है। कैबिनेट ने ऊर्जा बचाने और आयातित तेल पर निर्भरता कम करने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण योजना को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री ने ऐलान किया, बाजार रात 8:30 बजे बंद हो जाएंगे, जबकि मैरिज हॉल 10 बजे बंद होंगे। उन्होंने कहा, इससे देश 62 अरब रुपए बचा सकेगा। कर्मचारियों को पड़े वेतन के लाले। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली का एक और बड़ा संकेत यह है कि यहां सरकार के पास कर्मचारियों को सैलरी देने तक के लिए पैसा नहीं है। रेलवे डिपार्टमेंट की हालत सबसे ज्यादा खराब है। सरकार के पास पिछले 1 साल में रिटायर हुए अधिकारियों को ग्रेच्युटी देने तक के पैसे नहीं, जो करीब 25 अरब रुपए बैठती है। पाक की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं सोने की लंका जैसे देखते ही देखते कंगाल हो गई थी, वैसा ही हाल पाक का भी ना हो। और यहां देखने वाली बात यह है कि चीन इन दोनों का ही बहुत अच्छा मित्र है।